अस्सलाम वालेकुम, आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिज़नेस फाइनेंस के 44th लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन शुरू की थी ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। हमने बात की थी कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, करंट लायबिलिटीज एंड द करंट एसेट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने एसेट साइड में डिस्कशन शुरू करते हुए कैश मैनेजमेंट की बात की थी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूँ, मैं पिछले टॉपिक को जो है थोड़ा सा रिवाइज करके आज अपना अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर दूँ। तो हमने बात की कि जब हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें कैश प्लानिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैश प्लानिंग में हमने कैश बजट में कहा कि कैश बजट इज़ अ डिवाइस टू प्लान अहेड ऑफ टाइम। कैश बजट में हम बात करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज क्या होंगे और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज क्या होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हम ये फिगर आउट करते हैं कि हमारे पास नेट डेफिसिट्स होगा या के सरप्लस ऑफ कैश होगा। एंड नॉर्मली हमारे कैश बजट प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस, लेकिन ये वीकली, मंथली एंड बाई मंथली बेसिस पे भी तैयार होते हैं। सो वट एवर इज द टाइम पीरियड, बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रिपेयरिंग द कैश बजट इज कि हम जो है फोरसी करें कि फ्यूचर में हमारे कैश इनफ्लोज क्या हैं और हमारे कैश आउटफ्लोज क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास अगर सरप्लस कैश है तो हम उसको इन्वेस्ट कर दें, और अगर हमारे पास डेफिसिट है देन वी शुड गो हैड एंड वी ट्राई टू बोरो। तो बोरोइंग में हमने कहा कि हमारे पास दो तरह की बोरोइंग मौजूद है, सिक्योर्ड बोरोइंग एंड दी अनसिक्योर्ड बोरोइंग। सिक्योर्ड में हमारे पास कुछ कलेट्रल जो है हम रखते हैं, एंड सिंस हमारी ये बोरोइंग जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, इसलिए हमारा कोलेट्रल जो है उसकी भी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म ही की होती है। इसलिए नॉर्मली जो हम कोलेट्रल यूज करते हैं या सिक्योरिटी यूज करते हैं अगेंस्ट ऑब्टेनिंग अ शॉर्ट टर्म लोन, तो वो हमारे रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ही की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि दोनों ही जो है करंट एसेट्स हैं विद अ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। दूसरी तरफ अगर हमारे पास सरप्लस कैश हो तो हम सरप्लस कैश को क्या कहते हैं, वी डू नॉट कीप दैट सरप्लस कैश आइडल विद द फर्म, तो वी ट्राई टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, देयर आर टू अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज के डायरेक्टली फर्म जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे। सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज के फर्म जो है वो एक म्यूचुअल फंड जो स्पेशलाइज करता है इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, उसमें अपनी आइडल कैश को इन्वेस्ट कर दे। सो वट एवर मैकेनिज्म वी यूज, होता क्या है कि हम आइडल कैश को हमेशा यूटिलाइज करके सर्टन रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि आइडल कैश की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फॉरगॉन रेट ऑफ रिटर्न जो हमें अर्न होना था अगर हम उसको किसी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर देते। तो कैश मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं कि ऑफकोर्स कि हमारे पास कैश बजट जो है वो हमें देगा सरप्लस एंड डेफिसिट की अमाउंट, इसके साथ साथ फर्म की अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि एक प्रोसीजर है, एक पॉलिसी है, से अ पर्टिकुलर फर्म जो है उतने सर्टन मिनिमम कैश रिजर्व जो है वो अपने पास रखना है। उस मिनिमम कैश रिजर्व को सामने रखते हुए सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स को देखते हुए विल गो फॉर द बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग द कैश। और इस कैश को जब फर्म ने अपने पास रखना है एंड थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड प्लानिंग पीरियड उसको जो मैनेज करता है, तो हम उसको कहते हैं कि कैश मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है। किसी भी पॉलिसी को बनाने से पहले उसका हम ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सब्जेक्टिव को अचीव करने की ही कोशिश करती है। तो कैश मैनेजमेंट में हमारी पॉलिसी क्या होती है, कि आवर पॉलिसी इज कि हम जो है कैश की शॉर्टेज भी ना हो हमारे पास, ऑप्टिमल लेवल भी रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास कैश मौजूद हो उसको हम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। जब भी डेफिसिट हो
तो वी शुड बी इन अ पोजिशन टू बोरो, जब भी सरप्लस हो तो वी शुड बी इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट. तो कैश इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि वी मेक यूज ऑफ द आइडल कैश. अब एक अग्रेसिव फर्म की और एक कंजर्वेटिव फर्म की कैश मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो थोड़ी डिफर कर सकती हैं. कि जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि हमारे करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स को जैसा कि हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में बात की थी, दो तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं. एक है हमारी लॉन्ग टर्म बॉरोइंग और दूसरी है शॉर्ट टर्म बॉरोइंग. तो जो हमारी एग्रेसिव नेचर की फर्म होती है वो क्या करती है कि इवन हमारे जो करंट एसेट्स का परमानेंट पोर्शन है उसको भी फाइनेंस करती है शॉर्ट टर्म बॉरोइंग से. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे पास फर्म की एक पॉलिसी है बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रेसिवनेस और कंजर्वेटिज्म, दोनों ही सूरतों के बाद एक उन्होंने प्री डिसाइडेड हमारे पास लेवल मौजूद है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारे पास है, तो अब क्या होगा कि हमारी जो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर सीजनल सेल की वजह से हमारे पास सरप्लस कैश जो है वो अवेलेबल है तो हम उसको आइडल नहीं रखेंगे. वी आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द म्यूचुअल फंड्स. और अगर हमारे पास स्लैक सीजन हो गया और हमारे पास जो है कैश की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी है बट रिक्वायरमेंट इज मोर, तो हम क्या करेंगे कि वी विल सेल ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज वेल एज अगर नीड इज स्टिल देयर तो हम क्या करेंगे विल गो फॉर द शॉर्ट टर्म बॉरोइंग. तो जब हम आइडल कैश को इन्वेस्ट करते हैं इन सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज में जो तीन चार चीजें हम मद्देनजर रखते हैं उसमें एक तो हमारे पास ये होता है कि उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, कि इमीडिएटली एज एंड व्हेन नीडेड आर दी सिक्योरिटीज लिक्विड इनफ कि वी कैन टेक देम टू द मार्केट प्लेस एंड सेल देम ऑफ, और अगर ऐसा है तो वी कैन वेरी कंफर्टेबली इन्वेस्ट आर आइडल कैश इन दो सिक्योरिटीज. एंड देन ऑफकोर्स द मेच्योरिटी इज ऑलवेज सपोज टू बी अ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 डेज टू 270 डेज डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास जो है सेल्स फोरकास्ट क्या कहती है कि कब तक जो है हमें ये कैश सरप्लस मौजूद रहेगा. उसके बाद जो है उसका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हमें देखना पड़ता है. नॉर्मली अगर हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो मिनिमम होता है. तो ये चंद एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जब भी करते हैं कैश की तो वी कीप इन माइंड. उसके बाद हमने बात शुरू की थी अबाउट द सेकेंड एसेट करंट एसेट. कैश वॉज द मोस्ट लिक्विड एंड द नेक्स्ट वॉज द रिसीवेबल्स. अब रिसीवेबल्स आर जनरेटेड बेसिकली ड्यू टू द क्रेडिट सेल्स. जब हम सेल करते हैं तो हमारी सेल जो है दो तरह की होती हैं, एक तो इमीडिएटली वी रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर्स और दूसरा ये है कि वी गिव सम टाइम टू द कस्टमर फॉर द पेमेंट. 30 days, 60 days, 90 days is the most commonly used credit period. तो हमारे receivables जो हैं वो generate हो जाते हैं जिनको हम अपनी balance sheet में record करते हैं. Receivables जो है at the time the payment is due, they are converted into cash. तो जब हमने उनको cash में convert करना है तो हमारे receivables खत्म हो जाएंगे और cash जो है वो हमें वसूल हो जाएगा. तो आज हम इन्हीं receivables की मैनेजमेंट और उससे पहले हमारी क्रेडिट पॉलिसीज जो है कि किस क्रेडिट पॉलिसी के तहत हमने ये लोन जो है इनडायरेक्टली दिस इज काइंड ऑफ गिविंग अ लोन टू आवर कस्टमर्स कि हमने पेमेंट उनकी डिले कर दी. अदरवाइज उनको क्या करना होता कि उनको एक लोन लेना होता शॉर्ट टर्म और हमें पेमेंट करनी होती अगर इमीडिएट कैश की. तो इनडायरेक्टली वी आर एक्सटेंडिंग द लोन टू आवर कस्टमर्स. तो हम देखेंगे कि हमारी क्या क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं और क्या क्या क्रेडिट जो है वो टर्म्स होती हैं. तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी यही जो रिसीवेबल्स हैं उनके तीन एस्पेक्ट्स जो हैं मेजर एस्पेक्ट्स हैं. एक तो है हमारे पास क्रेडिट टर्म्स और क्रेडिट टर्म्स के अंदर हम बात करेंगे क्रेडिट पीरियड की, डिस्काउंट अगर हम कोई ऑफर करते हैं और क्या हमारे क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि हमारी ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी क्या है.
और सेकेंड नंबर पे है हमारी क्रेडिट एनालिसिस कि वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमने कस्टमर्स को क्रेडिट देना है तो हम जो है किस तरह डिसाइड करेंगे कि हमारा एनालिसिस जो है वो हमें सपोर्ट करेगा कि किसको जो है वो क्रेडिट देना है और किसको जो है वो क्रेडिट नहीं देना है. एंड थर्डली हम बात करेंगे कि हमारी कलेक्शन पॉलिसीज क्या होनी चाहिए कि वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमने जो है किसी कस्टमर को क्रेडिट देना है तो फिर उसके बाद उस क्रेडिट को जो कि रिसीवेबल की शक्ल में मौजूद है हमने किस तरह कलेक्ट करना है तो विल टॉक अबाउट दी कलेक्शन पॉलिसीज. तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं रिसीवेबल्स में हमारी आती हैं क्रेडिट टर्म्स. क्रेडिट टर्म्स में दो तीन मेन चीजें हैं. एक है हमारा क्रेडिट पीरियड. जब हम क्रेडिट टर्म्स को डिफाइन करते हैं कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है हमारी लेट्स से वी आर सेइंग 210 नेट 30. अब इस 210 नेट 30 के दो तीन कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले है 2, दैट इज 2% डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड इफ वी मेक पेमेंट. सेकंड इज 10 विद इन 10 डेज. देन इज नेट 30, नो डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड. Rather, you have to make full payment of the invoice price within 30 days. So, in other words, humne under this credit term, kya offer kiya hai? A total credit period of 30 days without any discount. And a period of 10 days for the payment with a discount of 2%. Ab jab hum baat karte hai ki 10 days and the 30 days, तो हम काउंट कहां से कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस. अब इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस बेसिकली इज डिटेल ऑफ द आइटम्स व्हिच वी हैव सोल्ड एंड द डिटेल ऑफ द पर यूनिट प्राइस एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल. तो ये हमारे 10 डेज एंड द 30 डेज जो है हम अकाउंट फॉर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इनवॉइस डेट. तो जब हम किसी भी कस्टमर को क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं तो वी नीड टू कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड. एक तो है उस फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल और दूसरा है उस फर्म का इन्वेंट्री साइकिल. पिछले चंद एक लेक्चर्स में जब हम बात कर रहे थे कि हमारी कैश मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए तो वी टॉक्ड अबाउट द ऑपरेटिंग साइकिल्स एंड द कैश साइकिल्स. और ऑपरेटिंग साइकिल को हमने ये कहा कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ऑपरेटिंग साइकिल के. एक कंपोनेंट है रिसीवेबल साइकिल का और दूसरा है इन्वेंट्री साइकिल का. और उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास जो कैश साइकिल है दैट इज इक्वल टू के फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल माइनस द पेएबल साइकिल. तो इसलिए जब भी हम किसी फर्म को या किसी कस्टमर को एक्सटेंड करते हैं लोन इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स तो हमें क्या चीज देखनी चाहिए? हमें ये देखनी चाहिए कि उस फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है और उस फर्म का जो है रिसीवेबल साइकिल कितना है. इन्वेंट्री साइकिल ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्वेंट्री साइकिल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टाइम इन बिटवीन द परचेज ऑफ द इन्वेंट्री एंड देन द सेल ऑफ द इन्वेंट्री इज द इन्वेंट्री साइकिल. टोटल ऑपरेटिंग साइकिल में हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन द इन्वेंट्री इज परचेज to the end date when the cash is collected. और जब हमने लोन दे दिया receivables are outstanding, उस लोन देने के बाद cash collection तक का जो time period है that is our receivable cycle. So overall हमारे पास operating cycle is equal to receivable cycle plus the inventory cycle. तो अगर किसी firm का inventory cycle जो है वो लंबा है कि वो हमसे इन्वेंट्री परचेज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस उसके ऊपर सर्टन करते हैं एंड देन दे सेल इट टू द मार्केट प्लेस तो उनकी कैश कलेक्शन जो है इट कम्स आफ्टर दे मेक अ सेल. तो मिनिमम हमें ये होना चाहिए कि वी नीड टू कीप इन माइंड दैट इन्वेंट्री साइकिल सो दैट कि फर्म जो है हमसे परचेज करके इन्वेंट्री सेल ऑफ कर दे एंड द फर्म शुड बी इन अ पोजिशन टू पे अस बैक. इसकी एक और कंसिडरेशन भी हो सकती है विद द गुड क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स वी कैन ऑल्सो पार्शली फाइनेंस द रिसीवेबल पीरियड. कि अगर ये फर्म जो है इन्वेंट्री को सेल करती है ऑन क्रेडिट दे कैन ऑल्सो सेल ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट. तो हम क्या करेंगे? विल सी द परसेंटेज
कितनी वो क्रेडिट सेल्स की है और कितनी कैश सेल्स की है. तो हम पार्शली जो है रिसीवेबल्स को भी जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं. लेकिन मैक्सिमम हमारा रिसीवेबल का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए हमारी बुक्स में? इट शुड नॉट बी मोर देन दी ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल इज द मैक्सिमम लिमिट जिसमें हमारा कस्टमर हमसे परचेज करने के बाद मार्केट में सेल करके कैश जो है वो कलेक्ट करता है. सो द अपर लिमिट फॉर द रिसीवेबल पीरियड या क्रेडिट पीरियड जो है इट शुड बी द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ योर कस्टमर. एंड देन अगर हमारा रिसीवेबल पीरियड जो है या क्रेडिट पीरियड जो है इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल, तो इट मीन्स कि हम जो है फर्म की इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को परचेज से लेके कैश कलेक्शन तक फाइनेंस भी कर रहे हैं और उसके अलावा भी कुछ अरसे के लिए फर्म को जो है अपना लोन शॉर्ट टर्म बेसिस पे दे रहे हैं. फ्रॉम दैट फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत अच्छी बात है, बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डेफिनेटली इनडायरेक्टली इनकरिंग द कॉस्ट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैरिंग दी रिसीवेबल्स है, जिसको हम आगे जाके बात करेंगे जब हम ऑप्टिमल पॉलिसी जो है रिसीवेबल्स की डिस्कस करेंगे. अब नॉर्मली क्या होता है इन प्रैक्टिस? इन प्रैक्टिस हमारे पास इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड जो है रिसीवेबल पीरियड होता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स सपोज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट some industry which is dealing with the daily routine items, to har industry ka ek set standard credit period hota hai and normally most of the firms jo hain they try to follow that set standard period. Isliye we should keep in mind ki hamare paas industry ka kya hai aur is particular customer ko hum kya credit terms jo hain wo offer kar rahe hain. Beyond the operating cycle, inventory and the receivable cycles, there are certain other items jo hame jo hai we should keep in mind before we talk about or decide about the credit period. Ab wo items jo hain wo kya ho sakte hain? First is the nature of the product, ke agar product jo hai wo perishable hai, jaldi jo hai wo zaya ho jati hai, to kya hoga ki uske liye hamara credit period jo hai wo thoda hona chahiye. That is one consideration. Dusra hai ki hamari product agar standard hai, profitable hai, uska turnover bhi high hai. For that type of product hame kya karna chahiye? Ke jab turnover high hai, standardized product hai, to uska receivable ko convert karna cash ka jo period hai, that should be smaller. Aur hamara credit period jo hai wo chota hona chahiye. Phir hum baat karte hain कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हम कहते हैं कि इन एक्सपेंसिव एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैव लोअर मार्कअप एंड हायर टर्नओवर रेट्स लीडिंग टू द शॉर्टर क्रेडिट पीरियड. नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिट रिस्क, कि अगर हमारा कस्टमर जो है उसका रिस्क ऑफ बैड डेट लॉसेस ज्यादा है तो क्या होगा कि वी शुड बी हेजिटेंट टू एक्सटेंड द क्रेडिट टू बिगिन विद. और अगर हमने उस कस्टमर को क्रेडिट दे भी दिया है, हमने सेल की है क्रेडिट सेल्स, तो हमें क्या करना चाहिए कि क्रेडिट पीरियड जो है वो कम से कम रखना चाहिए. द नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द अकाउंट, कि अगर हमारे पास कस्टमर का अकाउंट जो है वो स्मॉल साइज है इन कंपैरिजन टू अनदर कस्टमर जिसका अकाउंट जो है वो लार्ज साइज है और हमारे साथ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि स्मॉल साइज कस्टमर को हम कम से कम क्रेडिट एक्सटेंड करें और लार्ज साइज क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड करें टू हैव द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस विद द सेम कस्टमर्स. मोर ओवर वी हैव द प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन इन हाईली कंपेटिटिव मार्केट, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड्स मे बी ऑफर्ड. सपोज कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिसमें और बहुत से प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं और हमारी एक जरा सी चेंज इन पॉलिसी जो है हमारी सेल्स को कम या ज़्यादा कर सकती है. अगर हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट तो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं दे आर आल्सो ऑफरिंग द क्रेडिट पीरियड, दे आर सेलिंग ऑन क्रेडिट, तो इसलिए हमें जो है
اسٹینڈرڈائز قسم کی جو پالیسی انڈسٹری میں دوسرے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, تو وی شوڈ ٹرائی ٹو فالو دی سیم اسٹریٹجی اینڈ وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو آفر کریڈٹ. ادر وائز کیا ہوگا کہ وی ول سی کہ ہمارا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ شرنک کر جائے گا. اینڈ فائنلی کسٹمر ٹائپ. اب کسٹمر ٹائپ جو ہے دیٹ از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ آن کیس ٹو کیس بیسس. جو ہمارے کریڈٹ وردی کسٹمر ہیں جن سے ہمارے لانگ اسٹیبلشڈ ریلیشن شپ ہیں ان کو ہم زیادہ دیر کے لیے کریڈٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے نئے کسٹمرز ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کے لیے ہم اسٹرینجنٹ کریڈٹ پیریڈ بھی رکھ سکتے ہیں. اب کریڈٹ ٹرمز کے اندر ایک تو تھا ہمارا کریڈٹ پیریڈ, نیکسٹ آتا ہے ہمارا کیش ڈسکاؤنٹس. اب ان کیش ڈسکاؤنٹس کو سم ٹائمس وی آلسو کال ایز دی سیلس ڈسکاؤنٹس, کہ جب آپ سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ تو آپ آفر کرتے ہیں ٹرمس 2-10 نیٹ 30, تو اس میں ڈسکاؤنٹ کیا ہے ہمارا 2%. بٹ بیسیکلی دیٹ ڈسکاؤنٹ وی آر آفرنگ ٹو دی کسٹمر ٹو میک پرومپٹ پیمنٹ, کہ دے آر اونلی انٹائٹلڈ ٹو یوز دس فیسلٹی اف دے میک پیمنٹ within the first 10 days of the invoice date. Otherwise, کیا ہوگا کہ ان کو فل اماؤنٹ وداؤٹ دس ڈسکاؤنٹ از پے ایبل ودن 30 ڈیز. سو کیش ڈسکاؤنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ گیون ٹو انڈیوس پرومپٹ پیمنٹ, اٹ از آلسو کال دی سیلس ڈسکاؤنٹ. دس ول ہیو دی افیکٹ آف ریڈیوسنگ دی اماؤنٹ آف کریڈٹ آفر اینڈ فرم مسٹ ٹریڈ دس آف اگینسٹ دی کیش ڈسکاؤنٹ. Buyer only credit after the discount expires and this is a way to charge higher prices on credit sales. کہ normally کیا ہوتا ہے کہ جب ہم discount offer کرتے ہیں جس کو ہم sales discount بھی کہتے ہیں, indirectly we are providing a facility to our customer to make prompt payment and avail this discount. Otherwise, we are giving them the credit for a period, full period of let's say net 30. Ab, jo hamara customer hai, uske liye do choices hai. One is to avail the discount and make the prompt payment or use the credit period and then make payment after 30 days. Hamare point of view se, we offer the credit sales in order to increase our sales. To capture the market share. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وی ہیو سم لیوریج ٹو انکریز دی انوائس پرائز. اینڈ ایکسپیرینس این انکریز ان دی ٹوٹل ڈالر والیوم آف سیلس. سو دس از این آسپیکٹ وچ شوڈ آلویز بی کیپٹ ان مائنڈ. اب اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. An example would be 3-10 net 30. So the customer can take a 3% discount if he pays within 10 days. In any event, he must pay the full amount within the 30 days. A firm offering credit terms of 3-10 net 30 is essentially offering their customers a 20-day loan. To see this, consider a firm that makes 1000 sales on day 0. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امپیکٹ کیا ہے ہماری ان کریڈٹ ٹرمز کا اور ڈسکاؤنٹ جو ہم آفر کرتے ہیں. تو اس میں ہم فار کمپیریزن پرپزز ہم دو فارمز لے رہے ہیں, ایک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اویل کرتی ہے, دوسری جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اویل نہیں کرتی ہے. اور ہماری جو کریڈٹ ٹرمز ہیں وہ ہیں 3-10 نیٹ 30 انسٹیڈ آف 2-10. ناؤ وی ہیو سوئچڈ ٹو 3-10 کہ 3% ڈسکاؤنٹ ول بی آفرڈ اف دی پیمنٹ از میڈ ود ان دی فرسٹ 10 ڈیز. Otherwise, firm has to make a full payment within 30 days. So, uske liye, let's look at this particular slide. Ke some customer will pay on day 10 and they will take the discount. So, timeline pe, day 0 pe, we have made the sale. Day number 10 pe, we will be receiving 970 because this is the after discount of 3%. تو ٹوٹل سیل والیوم کتنا ہے 1000. 1000 کے اوپر ہم نے 3% ڈسکاؤنٹ آفر کیا, سو دیٹ اماؤنٹس ٹو 30. تو جو ہمیں پیمنٹ ریسیو ہوگی دیٹ ول بی 1000 مائنس 30 از اکول ٹو 970. اینڈ دین دی ادر کسٹمرز ول پے آن ڈے 30th اینڈ دے ول فور گو دی ڈسکاؤنٹ.
सो 30th डे पे वी आर रिसीविंग 1000. अब जो कस्टमर है जिसने फोगो किया है 3% का डिस्काउंट, बेसिकली क्या हो रहा है कि 10 डेज तो मिलने थे उस कस्टमर को अगर वो पेमेंट करता विद डिस्काउंट. अब विदाउट द डिस्काउंट है तो उसका क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कहाँ से हुआ है, 10 से 30 डेज पे. तो जो नेट क्रेडिट पीरियड की एक्सटेंशन है दैट इज 30 - 10 = 20 days. तो अब उसके लिए अगर हम देखें कि उसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या है उस कस्टमर की जिसने ये 20 डेज का क्रेडिट पीरियड जो है वो अवेल किया है, उसको हमने कैलकुलेट किया है ऑन दिस स्लाइड. अ कस्टमर दैट फॉरगोस द 3% डिस्काउंट टू पे ऑन डे 30th इज बोरोइंग $970 फॉर 20 डेज एंड ही इज पेइंग $30 इंटरेस्ट. क्योंकि अगर कस्टमर जो है 10th डे पे देता तो 970 देता, 30th डे पे कर रहा है तो ही इज पेइंग 1000. तो बेसिकली क्या है कि 970 इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि डे 10 से स्टार्ट होती है और डे 30th पे जब वो पेमेंट करता है तो अमाउंट की पेमेंट की अमाउंट जो है दैट ग्रोस फ्रॉम 970 to 1000. तो उसने बेसिकली लोन लिया है फॉर 20 डेज और उस लोन पे वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 and 970, दैट इज 30. अब इसके लिए अगर हम इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 970 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 + r to the power 20/365. अब हम जो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होगा. इसलिए हमने 20 डेज का जो इंटरेस्ट है उसको कन्वर्ट किया है पर एनम बाय डिवाइडिंग इट बाय 365. सो वी हैव 970 इज इक्वल टू 1000 ओवर 1 + r to the power 20 divided by 365. So we can calculate it and say 1 + r to the power 20/365 is equal to 1000 divided by 970. So our r is going to be equal to 1000 divided by 970 to the power 365 divided by 20 - 1 is equal to 74.35%. कि बेसिकली ऑन द फेस वैल्यू इट डजंट सीम कि हमारा जो कस्टमर है कोई ज़्यादा मिस आउट कर रहा है. अपेरेंटली यही लगता है कि वो कस्टमर सिर्फ $30 का इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहा है बाय नॉट अवेलिंग द डिस्काउंट. बट जब हम उसको इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में देखते हैं तो दैट हैज़ कम आउट टू बी 74.35%. देयर इज अ वे आउट फॉर दिस कस्टमर एज वेल कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिसीवेबल का लोन जो हमने एक्सटेंड किया है अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी ही मे गो हैड एंड बोरो शॉर्ट टर्म बेसिस पे फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर कंपनी. ही मे एंड अप पेइंग लेस देन 74.35%. और ये जो परसेंटेज इंटरेस्ट जो है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट. अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है That is about the credit instrument. कि हमारे पास क्या क्या credit instrument होते हैं when we are selling on credit. The first is our open account. कि we do not go for any formality and we simply deliver the products, we send the invoice, we ship the goods and we do not have any agreement in between the buyer and the seller. So this scenario is known as selling on open account. We have extended the loan but we do not have any formality. That is the first level. Aur ye jo hota hai with the extreme credit worthy customers ke sath jinke sath hamari firm ka ongoing relationship hota hai selling on credit, to we sell on open account. Next aata hai hamara promissory note jisme jo hai hum kya karte hain गुड्स भी शिप कर देते हैं अलॉन्ग विद दैट एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसको हम नोट कह रहे हैं, प्रोमिसरी नोट कर कहते हैं. उसको जो है हमारा कस्टमर जब गुड्स रिसीव करता है तो उसको भी साइन कर देता है अज्यूमिंग द लायबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ दैट मच अमाउंट जितनी भी इनवॉइस की थी. तो इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि प्रोमिसरी नोट जो है दैट इज साइंड आफ्टर द रिसीट ऑफ द गुड्स. व्हाट इफ द कस्टमर डज नॉट साइन इट, it's just like selling on the open account. And normally hamare promissory notes jo hain they are not quite oftenly used.
whenever we sell on credit. So then what is the alternative? If we need some written type of agreement, we need an evidence that this customer jo hai, hume itni amount owe karta hai. And the customer is a new customer, or maybe the credit worthiness of the customer is not good, but whatever is the reason, hume ye is cheez ki zarurat hai ki we need some evidence of the fact that isne hume itni amount pay karni hai after these many number of days. So iske liye there is a way out. Usme hum kya karte hain ki we talk about the commercial draft. Ki we prepare a draft and we send it to the buyer. Buyer jo hai usko sign karta hai, assuming the responsibility of the payment as per the terms and conditions, aur phir wapas bhej deta hai to the seller. To jab hum usko receive kar lete hain draft ko signed by that particular buyer, to hum kya karte hain, uske baad goods jo hai hum usko ship kar dete hain. Ab yahi jo hamari draft hai, commercial draft, it can take two form. Ek ko hum kehte hain trade acceptance, aur dusri ko hum kehte hain banker's acceptance. Ab trade acceptance wahi draft jab sign ho jata hai aur wapis hamare paas aata hai, to hum usko keh dete hain ki that is the trade acceptance. Ab wo draft jo hai, agar koi bank sign karta hai on behalf of the buyer, or bank is taking the responsibility of the payment of that particular amount, so that is known as the banker's acceptance. Dono hi short term instrument hain which are traded on the money market. Ki agar hamare paas ab trade acceptance hai ya hamare paas banker's acceptance hai and we are in need of money, we can take that and get it discounted in the money market. Usko hum sell kar sakte hain at a discount and we can raise immediate funds. So that becomes the benefit of it. So these are some of the credit instruments jo hum normally use kar sakte hain whenever we are selling on credit basis or whenever we are generating the receivables. Ab next aata hai hamara optimal credit policy. Ye to mukhtalif possibilities hai na ki hum ye offer kar sakte hain, ye offer kar sakte hain. Ab hamari optimal credit policy jo hai wo kya hogi, to usme we need to keep two things in mind. Number one, ki jab hum credit extend karte hain, when we sell on credit, so basically we are generating the receivables. And there is a strong possibility that when we are selling on credit, we are generating more cash flows because we are attracting the customers jo ke immediate cash nahi pay kar sakte, but they can make payment after certain number of days. So that is the benefit. Benefit of increased sales and increased cash flows. But of course, there is a cost attached to it. Aur wo cost jo hai, हमारे पास ये है कि जब हम रिसीवेबल्स को कैरी करती हैं ऑन आर बुक्स, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कॉस्ट अटैच्ड टू इट. तो हमारी जो ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी होगी, दैट विल वे द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज सेल्स अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द रिसीवेबल्स ऑन द बुक्स, एंड वेयर दे आर बोथ मैचिंग, दैट इज आर ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी. इसको फॉर्मली अगर हमने डिफाइन करना हो, तो विल से the optimal amount is determined by the point at which the incremental cash flows from increased sales are exactly equal to the incremental cost of carrying the increased investment in accounts receivables. Ke jab hum receivables ko carry karte hain on our books, there are certain cost attached to it. Ab kya kya cost usme attached hoti hain? Sabse pehle to ye hai ki agar hame early cash mil jata, so we would have invested the cash and we would have earned certain rate of return on it. So wo jo hai jo forgo karte hum rate of return is one component of the cost, and we are saying that the carrying cost associated with guaranteeing credit are of three types: the required return on receivables, and number two, the losses of bad debts. There is a possibility that we will not be in a position to collect 100% of our receivables. Some of the customers may default on the payment. So, when customer default karte hai, we call it as the bad debt. So, there is a cost attached to the bad debt. Then we call it as the bad debt loss. And finally, the cost of managing credit and credit collection. Meaning that when we receivables ko carry karte hain, we need to collect them. And we need a certain
mechanism through which we are in a position to collect the cash. We need to run a credit department, credit and collection department. تو اس کے اوپر بھی جو ہمیں کاسٹ آتی ہیں دے آر آل پارٹ آف آر کیرنگ کاسٹ. تو اب ہمارے پاس کیرنگ کاسٹ کے تین کمپوننٹس آ گئے, دی ریکوائر ریٹ آف ریٹرن آن ریسیویبلس, نمبر ٹو دی بیڈ ڈیٹ لاسز, اینڈ نمبر تھری دی کاسٹ آف رننگ اے کریڈٹ اینڈ دی کلیکشن ڈپارٹمنٹ. اب ہم اس کو کس طرح کریں گے؟ فار اے ریسٹرکٹیو کریڈٹ پالیسی آل ابو کاسٹ ول بی لو, shortage of the credit will be an opportunity cost of extra potential profit from credit sales that is low because credit is refused. This foregone benefit comes from increase in quantity sold and higher prices. ke jab hum baat karte hain ki ek hamari restrictive policy hai jisme we try to avoid selling on credit, usme kya hoga ki bad debt losses to hum bacha lenge, کریڈٹ کلیکشن ڈپارٹمنٹ کا بھی خرچہ ہم کم کر سکتے ہیں, لیکن آف کورس ہماری کاسٹ کیا ہوگی کہ ہم جو سیلس تھی کریڈٹ سیلس ہم نے کرنی تھی ان میں کمی آ جائے گی. اور نارملی ہم یہ بھی کرتے ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری کریڈٹ سیل جو ہے دے مے بی میڈ ایٹ ہائر پرائز, تو ہمیں پرائز ایڈوانٹیج جو ہونا تھا اور زیادہ ہمارا مارکیٹ شیئر ہونا تھا دونوں ہی جو ہے ہم فوگو کرتے ہیں. اب کیرنگ کاسٹ جو ہے they are the cash flows that must be incurred when credit is granted. They are positively related to the amount of credit extended. Then is the opportunity cost. These are the cost of lost sales from refusing credit. These costs go down when the credit is granted. The sum of the carrying cost and the opportunity cost is called the credit cost curve. اب ہمارے پاس دو کاسٹ آ گئیں, ایک ہے کیرنگ کاسٹ جو کہ جوں جوں ہم زیادہ کریڈٹ سیلس کرتے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, دوسری ہے اپرچونیٹی کاسٹ جو جوں ہم زیادہ کریڈٹ سیلس کرتے ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں. ان دونوں کو جب ہم ملا لیں تو وی کم اپ ود دی ٹوٹل کریڈٹ کاسٹ, اور اس کو ہم نے ڈیٹرمن یہ کرنا ہے ہماری آپٹیمل پالیسی میں آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل کریڈٹ کاسٹ جو ہیں وہ منیمم ہونی چاہیے. So in order to fully understand this, we need to look at this particular graph here. A graph pe, we have taken the amount of credit sales on the x-axis and we have taken the cost on the y-axis. Opportunity cost aap dekhe is a downward sloping curve because as the credit sales are increased or the amount of credit is increased, humara opportunity cost jo hai wo kam hoti chali jati hai. Humari carrying cost is an upward sloping curve. اب ان دونوں کو جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں وی کم اپ ود دی ٹوٹل کاسٹ وچ از یو شیپڈ. اب اس یو شیپ کا منیمم پوائنٹ سی اسٹار جو ہے دیٹ از ویئر آر کیرنگ کاسٹ آر جسٹ ایکول ٹو دی اپرچونیٹی کاسٹ, کہ ہمارا آپٹیمل کریڈٹ پالیسی جو ہے ہمیں آپٹیمل کریڈٹ سائز سی اسٹار دیتی ہے جہاں پہ ہماری کیرنگ کاسٹ جو ہیں دے آر ایکول ٹو دی اپرچونیٹی کاسٹ اور ویئر آر ٹوٹل کاسٹ curve is at the minimum. Ab trade credit is more likely to be granted if the selling firm has a cost advantage over other lenders. Number two, the selling firm can engage in price discrimination. Ke normally hum trade credit jo hai wo kis waqt dete hain, ke jab hum apne competitor pe ek advantage jo hai wo lena chahte hain. Secondly, hum jo hai suppose we are offering a credit, but why? Because we would like to increase our sales. Our sales we increase karte hain aur saath saath we may be in a position to charge a bit higher price than our competitors are charging. And then the selling firm can obtain favorable tax treatment, and the selling firm has no established reputation for quality products or services. And the selling firm perceives a long-term strategic relationship. کہ اگر سیلنگ فرم کو کوئی ٹیکس ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو دے وڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ کریڈٹ. فائنلی اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے کہ وی وڈ لائک ٹو کیپچر دی مارکیٹ شیئر بائی انکریزنگ دی سیلس بائی سیلنگ آن کریڈٹ, تو ہم تب بھی کریڈٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. سو دیز آر سم آف دی ریزنس کہ ہم جو ہے وہ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹو دی ادر فرمس. دی آپٹیمل کریڈٹ پالیسی ڈیپینڈز آن دی characteristics of a particular firm. Agar capacity hamare paas excess hai, then instead of k
keeping the idle capacity, we will produce and we will sell it. Although we are not in a position to make cash sales, but definitely we would like to sell it so that ke on credit bechne ke kuch arse ke baad, we are in a position to recover certain cash flows. Then, suppose our variable cost is low and our fixed cost is high. So in order to have a decreasing per unit fixed cost, we will produce more. Or when we are producing more, in order to sell that higher quantity, we definitely would like to sell on credit. And finally, the repeat customers. Ke agar humare paas customers jo hain, wo established hain. Aur hum chahte hain ki we continue with the same customer. So we would like to sell them even on credit. To ye to tha hamara second component jisme hum keh rahe the ke to determine ki hamari optimal credit policy jo hai wo kya hogi. Ab hum baat karte hain credit analysis ki. Ab credit analysis mein hame ye dekhna hai ki once we have decided ki firm jo hai is ready to sell on credit. Ab hame ye dekhna hai ki humne kisko sell karna hai credit pe aur kisko nahi sell karna hai. Whom should we be selling on cash basis? And to whom we should be extending the credit. Ab uske liye hame customers ka jo hai wo analysis karna hai. Ab procedure kya hai? Ki we gather the relevant information and then after collecting that relevant information we determine the credit worthiness. Ab relevant information jo hai hum kahan se ikatthi kar sakte hain. Sabse pehle to we will take help from the published financial reports, balance sheet, income statement. Will give us a pretty good idea about the credit worthiness by calculating those ratios jo ke humne isi course mein shuru ke lectures mein financial ratios calculate ki thi. So we'll make use of the financial statements and we'll calculate the financial ratios. Aur dusra source kya hoga? We'll try to collect the information from a bank. Banks normally they can provide good information about a customer. Then اگر اس کسٹمر کی ہماری فرم کے ساتھ ڈیلنگ پہلے موجود ہے تو وی لک ایٹ دی ہسٹری ود آر فرم کہ اس کی پاس پیمنٹ کی ہسٹری کیا تھی. اف دی ہسٹری از ویری گڈ وی ول بی ویلنگ ٹو ایکسٹینڈ دی کریڈٹ اینڈ اف دی ہسٹری از ناٹ دیٹ گڈ دین وی مے ہیزیٹیٹ ٹو ایکسٹینڈ دی کریڈٹ. سپوز دی کسٹمر از نیو ٹو آر فرم بٹ آف کورس اف کسٹمر ہیڈ دی ریلیشن شپ ود سرٹن ادر فرمز سو وی ٹرائی ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن about the customer's history from the other firms. So these are various sources. So once we have collected the information, then we need to determine ke whether the credit should be extended or not. Ab is credit analysis mein normally, jab hum analysis karte hain, to we make use of 5 C's. Ab wo humari 5 C's kya hai? These are the different dimensions jiske upar hum ek customer ko evaluate karte hain. And we have listed those 5 C's on this slide here. Ke credit evaluation mein, the traditional 5 C's of credit are the character. Character is ke willingness of the customer to pay. Ke whether the aptitude is ke they are always in a mood to make payments and keep their credit record clean. So that is the character. Then next comes our capacity. Capacity basically is the ability of the customer to make the payment. Ab ability ko hum kis tarah analyze karte hain? We look at the financial statements, we calculate the ratios, we look at the cash flow statement and we try to see ki whether firm has the capability to make the payment on timely basis. And then we look at the capital. That is, capital basically is how much is the worth of that particular customer. And that depends on ke assets kitne hain aur kitna uske paas jo hai wo base hai jiske upar usne cash collect karke he has to make the payments. Then we look at the collateral. Collateral is ke firm jo hai kis kisam ka collateral jo hai wo de sakti hai against the receivables. And finally, jab hum in sare C's ko evaluate kar rahe hain, we are looking at the last C, which is the conditions. Ab conditions jo hai, they are not firm specific. Conditions mein we are looking at the overall economic conditions, ke whether the economic conditions are favoring this kind of sales, ke jo hamari firm produce kar rahi hai, jo hamari customer ki firm produce kar rahi hai, uski
फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर सेल्स के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या है, बिकॉज दैट डिटरमिन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कलेक्ट कैश फ्रॉम द मार्केट प्लेस. सो हैविंग डन दिस एनालिसिस, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी ट्राई टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्कोर्स. नॉर्मली हम जो है हर एक पॉइंट को 1 से 10 का स्कोर देते हैं. हर कस्टमर को देखेंगे कि 5 सीज की बेसिस पे कहां उसका स्कोर आता है. ऑन एवरेज इफ अ कस्टमर अचीव्स अ स्कोर ऑफ 30 और मोर द क्रेडिट इज नॉर्मली एक्सटेंडेड. उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है आफ्टर द क्रेडिट एनालिसिस इज द कलेक्शन पॉलिसी. कि वंस वी हैव टेकन द फर्स्ट टू स्टेप्स जिसमें हमने क्रेडिट टर्म्स को डिफाइन कर लिया और उसके बाद हमने क्रेडिट एनालिसिस भी कर दिया. The last step of course is the collection policy. Ab collection policy basically refers to the act of extending the credit, meaning selling on credit basis and then trying to convert those receivable into cash. So more formally we say collection refers to obtaining payment on past due accounts. Collection policy is composed of number one, the firm's willingness to extend credit as reflected in the firm's investment in receivables, and number two, collection efforts. Ab firm jo hai apne receivables mein jitna unhone decide kar liya balance sheet mein itna percentage receivable ka rakh sakte hain current asset mein, that is the first step. Next step is ki they try to make efforts to convert those receivables into cash and we call it as the collection efforts. Ab is collection policy mein फर्म नॉर्मली क्या करती है, दे ट्राई टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर रिसीवेबल और उसके लिए वो हर कस्टमर्स का जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कैलकुलेट करते हैं. हर अकाउंट का एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया जाता है. उसके साथ देयर इज अनदर डिवाइस और वो है हमारे पास एजिंग रिसीवेबल्स एजिंग स्केड्यूल. के फर्म जो है नॉर्मली अपने सारे रिसीवेबल्स का एक एजिंग जो है वो स्केड्यूल तैयार करती है. रिसीवेबल्स का एजिंग स्केड्यूल जो है हम यूज करते हैं टू कीप अ ट्रैक ऑफ आर रिसीवेबल रिकॉर्ड. तो इसी एजिंग स्केड्यूल को देखने के लिए वी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल और एग्जांपल में वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म जिसने 1000 की क्रेडिट सेल्स की है. सो सपोज फर्म हैज 100,000 इन रिसीवेबल्स. Some of the accounts are only a few days old, but the others have been outstanding for quite some time. Its aging schedule may look like this. So in this aging schedule, we have the age of the account. And we have four categories, 0 to 10 days, then 11 to 60 days, 61 to 80 days, and over 80 days. Amount, 0 to 10 days, most recent sales ki 50,000, then 11 to 60 days 25,000 and 61 to 80 days 20,000 and over 80 days past due accounts from last 80 days is 5,000 and total sales are 100,000 and the percentage total value of receivables 50% is only 10 days old, 25% are in between 11 to 60 days and 20% are between 61 to 80 days and only 5% are overdue by last 80 days. So if the firm has a credit period of 60 days, then 25% of its accounts are late because 60 days they end at 50,000 plus 25,000. So remaining 25,000 are overdue and they account for 25% of the total receivables. So aging schedule jo hai usko agar hum synchronize karte hain with the credit policy of the firm, so we may say कि 25% जो है वो ओवर पास्ट ओवर ड्यू है और वो जो है दे आर नॉट अलाइंड विद द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म. तो उसी में से बैड डेट के चांसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं. अब उसके बाद आते हैं हम कलेक्शन एफर्ट के ऊपर कि एजिंग स्केड्यूल तो बता देता है कि पास्ट ओवर ड्यू है. अब हम जाते हैं कि किस तरह फर्म जो है क्या क्या एफर्ट जो है नॉर्मली अंडरटेक करती है टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स. There is a certain code of ethics which normally firms jo hain wo follow karti hain. Sabse pehle jo hai firm ek polite letter likhegi to the customer reminding them that they have a certain amount overdue
and they should be making payment. If they do not respond, the customer does not respond to this particular letter, then they take the next step and they make a telephone call. And after the telephone call, they definitely can hire the services of certain collection agency. And then the collection agency is going to take care of that account and they will try to pursue the customer. And finally, if all fails, then the firm is going to take a legal action. So this is the sequence of event as per the code of ethics for collecting the receivables. So this basically completes our discussion on the receivables, ke kis tarah hum receivables ko manage karte hain aur kis tarah jo hai hum credit analysis karte hain, kya credit terms offer karte hain aur uske baad finally jo hai hamari collection policies jo hain wo kya hoti hain. Isse pehle ki main aaj ka lecture jo hai conclude karun, I would like to give you an overview, summarize karna chahungi ki aaj ke lecture mein humne kya kya topics jo hain wo cover kiye hain. तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा बेस कर रहा था ऑन रिसीवेबल्स एंड द क्रेडिट मैनेजमेंट. उसमें हमने ये देखा कि हमारी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, किस तरह हम क्रेडिट पॉलिसी जो है वो डिटरमिन करते हैं और क्रेडिट टर्म्स जो है हमारी वो क्या होती हैं. क्रेडिट टर्म्स में हमने कहा कि देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स. एक है हमारा फुल क्रेडिट पीरियड, एक है हमारा डिस्काउंट पीरियड और एक है हमारी डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. अगर हमारा कस्टमर मेक्स यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट, तो वी स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड, अ डिस्काउंट पीरियड जिसमें कस्टमर ने हमें पेमेंट करनी होती है. और अगर कस्टमर डज नॉट मेक द पेमेंट विद इन दैट डिस्काउंट पीरियड, ही इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द डिस्काउंट. Then he has the full time period during which he has to make the full payment. And then we also calculated that basically customer jab discount avail nahi karta aur wo credit le leta hai for certain period of time by not paying within the discount period, to kya hota hai ki uski cost of borrowing funds, kyunki indirectly hum jo hai customer ko lend kar rahe hain aur us lending ki हमारे पास तो रिटर्न है लेकिन कस्टमर के लिए एक कॉस्ट है जो नॉर्मली इज वेरी हाई 3%. जितना जितना डिस्काउंट रेट बढ़ता चला जाता है उतनी ही वो कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है. उसके बाद हमने बात की कि वंस वी हैव डिसाइडेड अबाउट द क्रेडिट टर्म्स, देन वी नीड टू लुक एट द क्रेडिट एनालिसिस, कि हमने डिसाइड ये करना है कि किस कस्टमर को हमने क्रेडिट देना है और किस कस्टमर को हमने क्रेडिट एक्सटेंड नहीं करना है, यानी क्रेडिट सेल्स नहीं करनी है. तो उसके लिए हमने ये कहा कि हम सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर उन सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे. कलेक्शन में हमने सोर्सेज की बात की जिसमें हमने ये कहा कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक से इंफॉर्मेशन, उनके रिलेशनशिप विद आर फर्म एंड द पास्ट हिस्ट्री विद द अदर फर्म्स. उसके बाद हमने ये कहा कि कस्टमर को हम 5 C's की बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे और उसका स्कोर जो है वो डिटरमिन करेंगे. ऑन एवरेज इफ द स्कोर इज हायर देन 30, तो देन वी विल एक्सटेंड द क्रेडिट, अदरवाइज वी मे से नो टू द कस्टमर. एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द कलेक्शन पॉलिसीज. कलेक्शन पॉलिसीज में हमने ये कहा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कितने अकाउंट्स जो हैं वो ओवरड्यू हैं. And that we will be doing with the help of the receivables aging schedule. Wo hame bata dega ke itni percentage of the receivables overdue hai from last so many days. To kya procedure hum follow karenge? We'll start with a very polite letter. Uske baad, hum letter likhne ke baad, if the customer does not respond to that, to we are going to give them a telephone call. And after that call, we need to hire the services of an outside collection agency, and finally we may go to the court to take a legal action. And this basically completes our receivables management. To ye to tha hamara aaj ka lecture. Inshallah agle lecture mein we'll talk about another current asset, which basically is the inventory. Inventory is known as the least liquid current asset.
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिसीवेबल्स के बाद जो नेक्स्ट है इन्वेंट्री, उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं और किस तरह जो है उसका ऑप्टिमल साइज जो है वो डिटरमिन करते हैं. तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाज़त दीजिए.